सिंगरौली में नवनिर्मित पुलिस अतिथि गृह का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में एनसीएल के सीएमडी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक मौजूद रहे। एनसीएल सीएमडी ने कहा कि एनसीएल सबके सहयोग से और सबका सहयोग करने के लिए तत्पर है। नवनिर्मित पुलिस अतिथि गृह का लोकार्पण सिंगरौली एनसीएल सीएमडी भोला सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सिंगरौली कलेक्टर अरुण कुमार परमार एवं पुलिस अधीक्षक वीरेन कुमार सिंह सहित एनसीएल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत एसडीओपी राजीव पाठक और निरीक्षक यूपी सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। एनसीएल सीएमडी भोला सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि सभी पुलिस अधिकारी कर्मी अच्छे से काम करें, अच्छी जगह पर सुविधापूर्वक रहें। इसी भावना के साथ इस भवन का निर्माण कराया गया है। एनसीएल सभी की कंपनी है, ये सभी के सहयोग से कार्य होता है। साथ ही इस अवसर पर पधारे कलेक्टर सिंगरौली अरुण कुमार परमार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी तरह से कार्य करने के लिए हमें अच्छी जगह की आवश्यकता रहती है, जिसे एनसीएल ने उपलब्ध कराया है। तो ये कार्य प्रणाली को भी दर्शाता है और जो दूसरी बात बताई जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं वो कार्य को हमारे कार्य रूप में भी प्रभाव डालते हैं। तो ये जो सकारात्मक जो भी यहाँ का जो एनवायरमेंट बना हुआ है, जो हम यहाँ बैठे हैं, इसी सकारात्मकता के साथ हमारे जो भी शासकीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उसको और अच्छे से करेंगे। और सभी यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिकगण बैठे हैं, जो मोरवा का भी जो हमको जो यहाँ के नागरिकगणों का सपोर्ट पूरी व्यवस्था को मिलता है, वह सपोर्ट भी निश्चित रूप से मिलता रहेगा। तो जब आते थे यहाँ पे तो अक्सर हम लोग देखते थे कि यहाँ पे कुछ पुलिस को लेकर के समस्याएं रहती थी। आज कभी कभी अगर वो बाहर से आ रहा होता है तो दिक्कत नहीं होती थी उनको आने का। ये जो आज ये अतिथि बन करके अपने स्वरूप में सामने आया है, निश्चित रूप से जो है आप सबने सुना ही है, इसमें एनसीएल के हमारे सीएमडी साहब का बड़ा इसमें योगदान रहा है। भारत सरकार के द्वारा हमारे ऊपर भी काफी लोड रहता है कि कोयला गर्म पावर प्लांट को पहुँचाए और एक संतुलन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार की जो डिमांड है, हमारी माइनिंग की जो गतिविधि है, एकदम 100% तो साफ साफ सकते हैं, कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ होती है। तो मेरे तरफ से हमेशा प्रयास किया गया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।